उत्तराखंड लोगों के लिए कई मायनों में खास है। धर्म हो, पर्यटन हो या फिर यहाँ की आबोहवा, सब कुछ है इस उत्तराखंड में। यही सभी चीजें सैलानियों और श्रद्धालुओं को इस प्रदेश में खींच ही लाती हैं। प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होने जा रहा है, जो 1 मार्च से 7 मार्च तक ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। इसके ठीक बाद दूसरे हफ्ते परमार्थ निकेतन में भी योग महोत्सव का आयोजन 1 हफ्ते तक किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि मार्च का पहला पखवाड़ा उत्तराखंड के लिए खास होने जा रहा है। परमार्थ में होने वाला महोत्सव उनके द्वारा ही किया जाएगा, जबकि सरकार महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा। हर साल ये महोत्सव GNVN द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन 31 सालों बाद अब ये जिम्मेदारी परिषद को मिली है। इस महोत्सव से जुड़ने के लिए एक साइट इंटरनेट पर डाली गई है, जिसके द्वारा लोग अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। ये महोत्सव हटकर हो, इसके लिए विभाग द्वारा पूरा ख्याल रखा गया है। इस महोत्सव में योग के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जिनके लिए पंजीकरण लगभग पूरा हो चुका है। वहीं लोगों को एक नया एहसास हो, इस पर भी इस योग महोत्सव में पूरा इंतजाम रखा गया है। इसमें योग सिखाने के लिए देश के कई कोनों से लोगों को बुलाया गया है, जो योग के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। योग को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान भी इस महोत्सव में जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में मार्च का पहला पखवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जहां 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक परमार्थ निकेतन द्वारा योग महोत्सव मनवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 31 सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि GMVN के अलावा इस वक्त उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस आयोजन को करवाया जा रहा है। उसके ठीक बाद जब परमार्थ निकेतन अपना आयोजन करवाएगा, तो भीड़ ज़्यादा देखने को किस कार्यक्रम में मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अफजाल के साथ कैलाश पेस्ट।